हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सबसे पहली वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कशन। अब देखो, ये सिलेबस डिस्कशन जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन आपकी प्लेसमेंट्स के लिए, ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, और उनके अंदर क्या पूछा जा सकता है ये भी आपको क्लियर होगा, और किन टॉपिक्स को आप जो है थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो मोस्टली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, लेकिन इसको हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो ये जो मैंने सिलेबस यहाँ पे लिखा है ये स्टैंडर्ड बुक्स में से ही लिखा है, तो थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है बहुत माइन्यूटली, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर हम बात करें पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो देखो गेट के अंदर जो है काफी सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्शन नहीं आ रहा, लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम है या फिर पीएसयूज एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछा जाता है, और इनमें लाइक अगर एनआईएलटी का एग्जाम बात करें या फिर DSSB जो आपके टीजीटी लेवल के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्शन आता है, और अगर हम बात करें आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में ऑब्वियसली वहां पे भी आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्शन पढ़ते हो, और प्लेसमेंट में भी बहुत ज्यादा लेवल का नहीं है क्योंकि प्लेसमेंट्स का जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर रहता है, लेकिन ऑब्वियसली आप जाके प्लेसमेंट जो है आपकी होगी तो ऑब्वियसली जो डेजिग्नेशन आपको मिलेगी या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है, टेस्टिंग की फील्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप उस नॉलेज को लेकर फर्दर कंपनीज में काम कर सके। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, विद रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा ना फील आए कि यार ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि एक्चुअल में ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन ही है मोस्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं आपको जो है न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन अदर सब्जेक्ट्स की तरह ऐसा नहीं है कि लाइक 60% थ्योरी या 40% न्यूमेरिकल, नहीं, अप्रॉक्सीमेट आपका 80-85% जो पोर्शन है वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, थोड़ा सा पोर्शन ही है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंट्रोडक्शन पार्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्या इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, बेसिक एप्लीकेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रोजेक्ट्स आपके क्या होते हैं, बेसिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे आता है। तो देखो, जैसे आपने सुना हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर हम एक्चुअल में क्या करते हैं, इंजीनियरिंग जो है वो जनरली क्या होता है, इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स, मतलब किसी चीज को स्टैंडर्ड वे से अगर मुझे सीखना, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो वहां पे मशीन से रिलेटेड जो है वो पढ़ते हैं, मशीन की डिजाइनिंग पढ़ते हैं, ऑलरेडी जो मशीन है वो कैसे काम करती है उससे रिलेटेड पढ़ते हैं, उनके अंदर कुछ मॉडिफाई करना है, कोई नई चीज बनानी है, तो उसके सारे प्रिंसिपल्स को, सारे जो रूल्स है उनको मुझे कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मेरे को जो है वो नई चीज मैं डेवलप कर सकता हूं। तो वही बात अगर हम यहां पे करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, इंप्लीमेंट करना से लेके बिल्कुल स्क्रैच से लेके, मतलब पहले जो पहला पॉइंट है वो है आइडिया, मतलब सबसे पहले मेरे माइंड में आइडिया आया, अब उस आइडिया को लेके मैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, कैसे मार्केट में लेके आऊंगा, कैसे मैं अपनी कंपनी को ग्रोथ जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करूंगा, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके आपको जो है पूरा एंटरप्रेन्योर जो है वो बनना है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं एंटरप्रेन्योर बनने तक, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बीच में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेनिफिट होगा, आपको पता लगेगा कि कैसे आप जो है एक एक करके स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर इसको तो मैं स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि आपको मेन जो पॉइंट्स हैं, मतलब अगर हम बात करें कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप मान के चलो कि आपके एग्जाम में लिखा ही हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, ये बेसिकली है क्या स्टेप्स हैं, डिटेल में हम बाद में करेंगे, तो ये क्या होते हैं कि स्टेप्स हैं, कैसे आपको फॉलो करना है उन स्टेप्स को, ताकि आप प्रॉपर जो है वो अपना प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर जो है वो बना सको। तो इसमें जो है काफी स्टैंडर्ड कन्वेंशनल मॉडल्स भी हैं और न्यू मॉडल्स भी हैं। कन्वेंशनल मॉडल्स में आपका लाइक वाटरफॉल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल के अलावा अगर हम बात करें इंक्रीमेंटल मॉडल है, प्रोटोटाइप है, स्पाइरल मॉडल है, न्यू मॉडल्स हैं ये सारे, तो इन मॉडल्स को कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इनके अंदर हम प्रोसेस
प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे इनके अंदर हम काम करते हैं। ऑल्दो ये मॉडल सारे के सारे थ्योरेटिकली हैं, लेकिन ये एक तरह से आपको वे आउट बता रहे हैं कि कैसे आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, एक स्टैंडर्ड वे क्या है सॉफ्टवेयर को बनाने का। तो ये कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल जो है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट मतलब हम यहां पे अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट आपकी क्या है और रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल कैसे करना है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज योर SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप SRS डॉक्यूमेंट जो है वो एक बेसिक लेवल का बना सकते हो, कैसे बनाते हो। तो आपको SRS से रिलेटेड जो है पॉइंट्स मैं यहां पे आपको बताऊंगा। नॉर्मल रिक्वायरमेंट आपके जो है, देखो अगर हम बात करें यहां पे, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से अगर स्टार्ट करूं, सॉफ्टवेयर की बात हम बाद में करेंगे, लेट्स सपोज अगर आप घर बनाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पहला आपके अंदर आइडिया आ गया कि हाँ यार मेरे को घर बनाना है। अब ऐसा थोड़ी ना कि यार मेरे को अगर 3-4 इंच की या 3-4 मीटर की मेरे को दीवार बनानी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर भी बना दूंगा या मैं शॉपिंग मॉल भी बना सकता हूं, नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्किल चाहिए, और वो स्किल या तो आप अपने अंदर बिल्ड करो, होने को तो कर सकते हो लेकिन उन सारे स्किल्स को बिल्ड करोगे कॉस्ट ज्यादा लगेगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, अकेले अगर काम करोगे तो ऑब्वियसली आप टीम जो है वो काम करोगे, तो टीम में अगर काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं टाइम भी कम लगेगा और आपको सारा का सारा काम सीखने की जरूरत नहीं है, आप उस काम को डिवाइड कर सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे घर बनाना है तो सबसे पहले मेरे को स्टेप्स, ये जो SDLC है ये एक्चुअल में बताता है एक बेसिक स्टेप्स कि पहला स्टेप ये करो, दूसरा स्टेप ये करो, तीसरा ये, चौथा ये, कैसे आपका पूरा जो है वो घर बनेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की, तो रिक्वायरमेंट में क्या है, पैसा चाहिए, मेरे को लैंड चाहिए जहां पे मेरे को घर बनाना है, मेरे को कहीं ना कहीं वर्कर्स चाहिए। तो ये जो मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट जो है अपनी सेट कर ली, तो वो एक्चुअल में आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज। देन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है अगेन यहां पे मैं बोलूंगा इसको इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम बात करते हैं सबसे पहले एस्टीमेशन की। जैसे अगर हम बात करें कि लाइक अगर आपको सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं आप लाइन ऑफ कोड की बात करोगे, फंक्शन पॉइंट्स की यहां पे बात करते हैं, यहां पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, और इसमें और एस्टीमेशन कॉस्ट की एस्टीमेशन है, टाइम की एस्टीमेशन है, रिस्क को एनालाइज करना है कि क्या रिस्क आ सकते हैं, पहले क्या आ सकते हैं, बाद में क्या आ सकते हैं, उनको कितना इंपैक्ट हो सकता है, ये सारा एनालिसिस करना आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसमें कोकोमो मॉडल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और अगर हम बात करें जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे घर बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली वहां पे भी रिस्क है कि क्या रिस्क आ सकते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट आप बनाओगे, ये सारे रिस्क क्या आ सकते हैं कि जहां पे आप घर बना रहे हो क्या वो अर्थक्वेक वहां पे आ सकता है, या फिर कोई फ्लड जो है वहां पे आ सकती है, या फिर और रिस्क क्या हो सकते हैं, ये सारे रिस्क जो है सोसाइटी, आप किस सोसाइटी में घर बना रहे हो, ये सारे जो है पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि घर बनाने के बाद अब आप बैठ गए कि यार मेरे को अब इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्वियसली अब क्या कर सकते हो, या तो आप दोबारा से बनाओगे तो वो सारा पैसा आपका वेस्ट हो गया, टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो ये काम नहीं करना, मुझे पहले ही एनालिसिस जो है वो करनी है, कॉस्ट होगी चाहे टाइम की एनालिसिस होगी, रिस्क एनालिसिस हो गया, ये सारा मेरे को इनिशियल स्टेप पे करना ही पड़ेगा। तो ये जो है पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आप एक अच्छा जो है प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हो। देन आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन, डिजाइनिंग पार्ट, वही जैसे घर बनाने से पहले ऐसा नहीं कि माइंड में आया पैसा है जेब में तो आप चले गए सीधा बिल्डर के पास कि यार घर बना दो, ऐसा नहीं, वो तो हो सकता है अपनी मर्जी से कुछ और बना दे, लेकिन आपके माइंड में कुछ और एक्सपेक्टेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है पहले डिजाइनिंग पार्ट, जैसे हम आर्किटेक्चर के पास जाके 3D डिजाइन बना लिया कि हाँ यार मेरे को यहाँ पे किचन चाहिए, यहाँ पे ये रूम, यहाँ पे ऐसे, ये सब कुछ जो है वो मैंने बता दिया। तो ये जो डिजाइनिंग का पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं डिजाइनर, ये भी जो है सॉफ्टवेयर डिजाइनर भी जो कंपनीज के अंदर जो है काफी अच्छी पोस्ट है, तो डिजाइनर का पार्ट जो है एक लेआउट बनाना, एक मॉडल बनाना, ताकि बाद में हम उसको इंप्लीमेंट कर सके। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी में कपलिंग का पार्ट है, कपलिंग के अलावा यहां पे कोहेजन का पार्ट है, कोहेजन के अलावा यहां पे अगर हम बात करें डिजाइनिंग में UML जो है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर DFD है, क्लास डायग्राम्स हैं, इससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है वो
पूछे जा सकते हैं। तो DFDs वगैरह, तो जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो या रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो, वहां पे भी हम कहीं ना कहीं DFDs का यूज करते हैं, क्लास डायग्राम्स का हम यूज करते हैं। तो ये पोर्शन आ गया आपका डिजाइनिंग के अंदर। अब डिजाइनिंग आपकी डन है, उसके बाद आपको जो है वो फाइनली इंप्लीमेंटेशन करनी है, कोडिंग पार्ट आ गया। तो ऐसा नहीं कि इसमें आपको कोडिंग भी करनी, कोडिंग जो है उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म है, इसने सिर्फ स्टेप बता दिया कि आपको जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कोडिंग का करना है, इंप्लीमेंटेशन करनी है। अब इंप्लीमेंटेशन कर दी, मतलब घर आपने बिल्डर को जो है आपको बता दिया कि भैया ऐसे घर चाहिए, सारा आपने डिजाइन दे दिया उसको, उसने आपसे पैसे वैसे ले लिए, सब वर्कर सारी बात कर ली, आपने एक तरह से ठेका दे दिया। अब वो जो है वो स्टार्ट कर दिया इंप्लीमेंटेशन पार्ट। अब इंप्लीमेंटेशन होने के बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, दैट इज योर टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब अब आप क्या करोगे, घर बन गया तो सबसे पहले तो आप खुद टेस्ट करोगे, देखोगे सारी चीजें जो है वो प्रॉपर है या नहीं, और आप हो सकता है अपने कहीं ना कहीं रिलेटिव्स को बुलाओ, घर वालों को बुलाओ कि यार देख लो सारी चीजें सही है या नहीं है। अगर नहीं लग रही तो कहीं ना कहीं अभी तो आपने जो है वो पूरा नहीं बना, एक बेसिक जो है आपने बना लिया, उस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस जो है करना चाहते हो कर सकते हो। तो टेस्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चाहे हम बात करें यूनिट टेस्टिंग की, सिस्टम टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ये जो है काफी टेस्टिंग जो है इसके अंदर आती है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला SDLC के ऊपर क्वेश्चन लिखा ही हुआ है एग्जाम के अंदर, ऐसे ही मान के चलो कि टेस्टिंग के अंदर क्वेश्चन लिखा ही हुआ है। देन फाइनली टेस्टिंग होगी, ठीक है आप शिफ्ट कर गए, मतलब आपने प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर जो है वो बना लिया, थर्ड पार्टी जो भी क्लाइंट था आपका उसने आपको दे भी दिया। उसको देने के बाद अब जो है वो मेंटेनेंस का पोर्शन, मतलब घर में आप शिफ्ट कर गए तो अब क्या खत्म सब, नहीं, मतलब सारा का सारा पैसा लगना बंद हो गया या सारा का सारा काम बंद हो गया, नहीं, अब स्टार्ट होता है मेंटेनेंस का पोर्शन। मेंटेनेंस मतलब कि आपको रेगुलर बेसिस पे उसको मेंटेन, ठीक है आपने सफाई करने के लिए या तो खुद सफाई कर रहे हैं या आपने काम वाली बाई लगा दी, जो है वो प्रॉपरली सफाई जो है आप कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपको टाइम टू टाइम जो है, हो सकता है अब घर का जो कलर वगैरह है, जो आपने रंग रोगन करवाया था उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो डेप्रिशिएट हो सकता है, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई जो है आपके अंदर प्रॉब्लम आती रहेगी घर के अंदर, तो उन प्रॉब्लम्स को भी आपको फिक्स करना है। ऐसे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर आ गया दे दिया आपने, उसका मतलब ये नहीं है। अब लाइक अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल देखूं, हमारा जो वेब लिंक चलता है onlinetest.gatesmeshes.com, कई बार क्या होता है कि ठीक है उसके अंदर कोई ना कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली हमको अपने जिन्होंने डिजाइन किया सारा उनको से बात करनी पड़ती है ताकि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। तो वही पॉइंट यहां पे है, ऐसा नहीं कि आपने दे दिया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया सारा काम खत्म, नहीं, अब आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, या तो वो बंदा खुद कह दे, क्लाइंट खुद कह दे कि मैं अपने मेंटेन कर लूंगा, मेरे पास टीम है, स्किल्ड बंदे हैं, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको कहीं ना कहीं SRS डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में आप बताओगे कि भैया हम लोग मेंटेन भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है 24/7 अवेलेबल है, हमारी टेक्निकल टीम अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हो, आपके आगे जो यूजर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है उसको भी हम टैकल करेंगे, ये सारे जो है मेंटेनेंस का पार्ट है। फाइनली क्वालिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब कि जो चीज आप बना रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका अप्रूव्ड होनी चाहिए, जैसे ISO सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पे ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, वही जैसे हम लाइक गोल्ड खरीदते हैं या डायमंड, काफी एड्स आती है ना कि ये सर्टिफाइड है, ऐसे है हॉलमार्क ज्वेलरी है, तो ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हैं ये आपको जो है बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, लेकिन ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। देन रीयूजेबिलिटी मतलब घर बन गया, बनने के बाद लेट से आपने सोचा कि यार मैं 20-30 साल तक ये घर को यूज करूंगा, अब यूज करने के बाद हो सकता है आप कहीं और पे शिफ्ट कर गए, या आपने सोच लिया कि यार अब ये यूजेबल नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको रीयूज करना। रीयूज मतलब लेट सपोज आपने PG में कन्वर्ट कर दिया, पीजी में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्वियसली वहां से इनकम भी आ रही है और आपका जो है वो जो कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो रही है, वो भी आप कहीं ना कहीं जो है वो गेन कर रहे हो। मतलब रीयूज करना प्रोजेक्ट को, अपने सॉफ्टवेयर को रीयूज करना, दैट इज ऑल्सो अ आर्ट। तो ये सारे पॉइंट जो है वो मैं एक एक करके फर्दर वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन याद रखना जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया है, ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक थ्योरेटिकल्स ही हैं, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल से, इंटरेस्टिंग एग्जांपल से आपको ये सारे कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक यू।